नमस्कार दोस्तों, अमृतसर में हुए इस भयानक रेल हादसे में जहां पूरा देश गम और गुस्से में है, इसी के बीच एक बड़ा खुलासा होता है। आपको बता दें कि अमृतसर यानी कि पंजाब के अमृतसर में दशहरा के दिन रावण का दहन करते समय एक भयंकर रेल हादसा हो गया, जिसमें बहुत से लोग अपने जान को गंवा चुके हैं और लगभग 60 से 65 लोगों की मौत की पुष्टि सरकारी आधिकारिक तौर पर कर दी जा चुकी है। लेकिन चश्मदीदों की माने तो वहां पर जो गवाह थे उन गवाहों के अनुसार लगभग 200 लोग इसमें शामिल हुए यानी कि इस हादसे के शिकार हुए। अमृतसर पुलिस ने अभी तक 60 लोगों की मौत की पुष्टि किया है, लेकिन यह संख्या बढ़ सकती है। अमृतसर में ये बड़ा रेल हादसा हुआ अब तक का दशहरे का सबसे बड़ा रेल हादसा। चलिए आपको बताते हैं कि ट्रेन के ड्राइवर ने आखिर क्यों नहीं रोकी ट्रेन और क्या था कारण, जो कि आपने थंबनेल में देखा। दरअसल बात ये है कि जहां पर रावण का दहन किया जा रहा था वह क्षेत्र जो है एक यानी कि बस्ती के क्षेत्र में था। अगल बगल चारों तरफ मकान बने हुए थे और उन मकानों के बीच से रेलवे का ट्रैक गुजरता है जो कि डबल ट्रैक था, और उसी के जस्ट 100 मीटर की दूरी पर आप देख रहे हैं जहां पर भीड़ इकट्ठा है, इसी के थोड़ी दूरी पर यहीं पर रावण का दहन हो रहा था और वो समय था रात्रि के 7:30 बजे, और रात्रि होने की वजह से काफ़ी अंधेरा छा गया था और रावण का जो दहन हो रहा था इसकी वजह से वहां पर काफ़ी मात्रा में धुआं भी उपस्थित था। धुआं और अंधेरा दोनों होने की वजह से वहां पर ट्रेन के ड्राइवर को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने ट्रेन का हॉर्न बजाया, जोड़ा फाटक से उसको सिग्नल दे दिया गया और वो ट्रेन का हॉर्न बजाते हुए वहां से निकल दिया। और जब कुछ दूर पहुंचने के बाद उसे एहसास हुआ कि हमारी ट्रेन से कोई हादसा हुआ है, तब तक बहुत दूर ट्रेन निकल चुकी थी और वह ट्रेन लेकर के सीधे अमृतसर पहुँच गया। इसकी वजह कुछ और भी बताई जा रही है। कुछ लोग तो इतना बता रहे हैं कि जब ट्रेन वहाँ पर पहुँची थी घटनास्थल पर, उस समय उसकी स्पीड जो है 91 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 91 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन को रोकने की भरपूर कोशिश किया और उसने ब्रेक लगा करके ट्रेन की स्पीड को 68 किलोमीटर प्रति घंटा तक ला दिया, लेकिन फिर भी घटनास्थल पार होते हुए ट्रेन 68 किलोमीटर प्रति घंटा में ही पार हो गई और उसी में कुछ लोग अपनी जिंदगी गंवा बैठे, कुछ लोग जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। स्क्रीन में देख रहे हैं दलबीर सिंह को, दलबीर सिंह रावण की भूमिका निभाते थे रामलीला में, और दलबीर सिंह भी लोगों को बचाने के चक्कर में यह भी उसी में पिस गए। और ये हैं दलबीर सिंह की बहन सोनी सिंह, जिनके बारे में हमने कल आपको बताया था इनकी कुछ बातों को। तो ट्रेन की स्पीड कम करते करते ट्रेन उस घटनास्थल से निकल गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ट्रेन को रुकने के लिए ड्राइवर ने बताया कम से कम 700 मीटर की दूरी होनी चाहिए थी, लेकिन घटनास्थल जहां से उसके बारे में उसे मालूम चला वहां से मात्र 250 से 300 मीटर की दूरी ही बची थी। ये वजह थी कि ट्रेन वहां पर नहीं रुक सकी। और हाँ, कुछ और भी बातें सामने आ रही हैं। ट्रेन न रुकने का कारण यह भी बताया जा रहा है कि जब घटनास्थल से ट्रेन क्रॉस हुई उसके बाद ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर आ गई थी, लेकिन लोगों ने वहां पर इकट्ठे हुए लोगों ने गुस्साए हुए लोगों ने ट्रेन पर पथराव शुरू करना स्टार्ट कर दिया और ट्रेन के ड्राइवर ने अपने यात्रियों पर खतरा को भांपते हुए ट्रेन को वहां पर नहीं रोका और सीधे अमृतसर लेकर पहुंच गया। ट्रेन और सभी यात्री सुरक्षित अमृतसर पहुंच चुके हैं। अगर ट्रेन ड्राइवर ने वहां पर ट्रेन रोक दिया होता तो जो बौखलाए यहां पर लोग थे, जिनके परिजन उस हादसे के शिकार हुए थे, वह लोग ट्रेन को छत बिछत कर देते और उसमें बैठे यात्रियों को भी घायल कर देते। तो यह थी ट्रेन न रुकने की बड़ी वजह जो आपने देखा। दोस्तों, अगर इस वीडियो में कुछ गलती हुई तो उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन हमने इंटरनेट से प्राप्त और कुछ न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर से प्राप्त इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको जानकारी दिया। कैसी लगी आपको ये जानकारी, कृपया अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं दलबीर सिंह की पत्नी और इनकी 8 माह की एक छोटी सी बेटी भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दलबीर सिंह पतंगे बेचकर अपने परिवार का गुजारा किया करते थे। ये है दलबीर सिंह की बेटी और ये बगल में उनकी बहन सोनी। आपने सारी जानकारी को समझ लिया होगा। बस इस वीडियो में इतना ही भाई। वैसे तो आप लोग लाइव क्लास देखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जानकारी होती हैं जो हमारे समझ से इम्पॉर्टेंट होती हैं तो आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी अन्य नई अपडेट के साथ। भगवान न करें ऐसी घटना फिर से भारत में घटे। थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवश्य शेयर करें और चैनल को अगर नए नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इतनी सारी मात्रा में जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये जो अमृतसर एक्सप्रेस थी इसमें से ऐसे फाड़ते हुए बीच से निकल गई।
और आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कितने लोगों की भीड़ में अगर बीचों बीच से ट्रेन निकलती है तो कितने लोग उसके कब्र में आएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक ट्रैक और है, दो रेलवे ट्रैक था भाई, इसमें दो रेलवे ट्रैक था। इसमें से अमृतसर एक्सप्रेस निकली, बगल से एक डीएमओ भी निकल गई, यानी कि जो लोग इसमें बचे हुए थे जब इसमें से ट्रेन निकली कुछ लोग कट गए, कुछ लोग छटक पटक के बगल गए, और उधर से जो लोग इधर को भागने की कोशिश किए सामने से आ रही डीएमओ ने जो बचे हुए थे उनको भी रौंद दिया। इस तरह से ये भयानक घटना हो गई और कुछ लोगों के हाथ अलग पांव अलग हो चुके, कुछ लोगों का गला अलग तो कुछ लोगों का धड़ उनके शरीर से अलग हो गया। हमारे पास छत बिछत सौ के इमेज भी हैं, पिक्चर भी हैं, लेकिन उन्हें हम कुछ कारणों से नहीं दिखा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप लोग हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बहुत दिल थाम कर देखना होगा भाई। साग मूली की तरह लोग कट गए वहां पर, भगवान न करे काश ऐसा कभी हो। आखिर इन बेकसूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या वहां की पुलिस, वहां के सरकारी अफसर कान में तेल डालकर बैठे थे? इतनी बड़ी घटना हो जाने का रीजन क्या है? क्या रेलवे वाले को इसकी जानकारी नहीं थी? बगल में ही रेलवे का जो बना हुआ था भाई कंट्रोल रूम, नहीं तो जिसे क्या बोलते हैं फाटक, उन लोगों को तो मालूम था ना। फिर भी इतनी बड़ी घटना हो गई।